चैनल। मैं हूँ सीमा सहोत्रा और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो नाकुमट की सीरीज़ तैयार की है उसमें मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि नॉन एडिबल चीज़ें कौन सी होती हैं और या फिर जो जियोफेगिया होता है वो किसको बोलते हैं। डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में समझा था, जाना था। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाकुमट के बारे में कि नाकुमट क्या होता है और ये रियल फॉर्म में किस तरह से पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि नाकुमट यहाँ से बनता है, वहाँ से बनता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली नाकुमट होता क्या है। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऐसा लगेगा कि जो नाकुमट होता है वो पत्थर होता है। काफ़ी लोगों का मानना होता है कि जो नाकुमट होता है वो पत्थर होता है। हाँ जी, ये इस फॉर्म में पाया जाता है लेकिन ये पत्थर नहीं होता है। चलिए मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं, मिट्टी लें और उसको किस पानी के बर्तन में डाल लें, ऊपर से पानी डाल दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी गंदा सा हो जाता है। सेम ये इसके साथ भी होता है कि जो नाकुमट यदि आप पानी में डालोगे तो थोड़ी देर बाद यदि आप उस पानी को देखेंगे तो उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब इस चीज़ में सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो इट मीन्स कि ये भी एक तरह की मिट्टी ही होती है। यदि आप इसको बिल्कुल से ऐसे बारीक से कर देंगे, मतलब बारीक फॉर्म में इसको आप लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली ये मिट्टी ही है। सो यदि हम लोग ये माने कि नाकुमट पत्थर होता है तो नाकुमट मिट्टी ही होती है एक तरह की, लेकिन ये अलग प्रकार की होती है। जो ऑनलाइन नाकुमट मिलता है वो तो काफ़ी प्रोसेस करके बनाया जाता है, लेकिन यदि हमारे यहाँ जो नाकुमट पाया जाता है उसकी बात करें तो काफ़ी जगहों पर नाकुमट हम लोगों को ईज़िली मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को ईज़िली नाकुमट यहाँ पर मिल जाता है और हमारे यहाँ भी नाकुमट इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो आप ये नाकुमट देख रहे हैं ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया है, ये हम लोगों के घर के पास में ही ये इजीली मिल जाता है। टाइम लगा तो मैं आपके साथ वो वाला प्लेस ज़रूर शेयर करूँगी जहाँ पर ये नाकुमट पाया जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। सो मेरा आपको बताने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं मिट्टी ही होती है, तो यदि आप लोग इनको खाते हैं तो इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, किडनी स्टोन ये कर सकती हैं। अब आप कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग खाते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं होता, यानी कि स्टोन वगैरह की समस्या नहीं होती है, तो ऐसा मानना गलत होगा। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो सिम्टम्स इनके आते हैं सामने, यानी कि ये आपको बीमार करती हैं, असल में जो ये बीमार करेंगी तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो एक या दो दिन में सामने नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम, एक टाइम के बाद, एक लंबे टाइम के बाद इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सामने आते हैं। सो जहाँ तक हो सके कृपया करके इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। और ये भी देखिए एक मिट्टी ही होती है, तो ये ना करें कि आप इसको खाए जा रहे हो और ये आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। सो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएँ और इनसे दूर ही रहें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और यदि हमें चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।